गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेवेंथ चैप्टर वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव हर्ड द क्रिकेट एक्सपर्ट डिस्कसिंग द वेदर बिफोर स्टार्टिंग द गेम। आपने टीवी में कभी कभी ऐसा ये देखा होगा कि जब भी क्रिकेट स्टार्ट होता है तो जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स होते हैं वो वेदर के बारे में भी वो डिस्कस करते रहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई, क्या आप सोचते हैं ऐसा क्यों करते हैं ये? द वेदर मे हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द गेम, क्योंकि गेम के ऊपर वेदर का बहुत ही असर पड़ता है। अ क्लाउडी वेदर कैन चेंज द कोर्स ऑफ अ क्रिकेट मैच और स्टॉप इट ऑल टुगेदर बाय ब्रिंगिंग शावर्स ऑफ रेन। ओके, अगर ह्यूमिडिटी अधिक है, ओके स्टूडेंट्स, क्लाउडी वेदर है तो या इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि क्रिकेट रोका भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि सावर यानी हल्की फुल्की बारिश भी आ सकती है। सिमिलरली यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कसिंग अबाउट द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन। इसके साथ साथ जब कोई फंक्शन आपके यहाँ पर देखते होंगे कि प्लान किया जाता होगा तो उसमें भी ये सब बातें की जाती हैं। इन फैक्ट मेनी ऑफ आर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड एज पर वेदर प्रेडिक्टेड फॉर दैट डे। ओके, बहुत सी हमारी ऐसी प्लानिंग्स हैं डे टू डे की जिसमें कि वेदर प्रेडिक्शन का असर पड़ता है। दस वेदर हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन आर लाइफ्स। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वेदर का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। We find that the daily reports of weather on the television, radio and in the newspapers. Okay, इस तरीके से हम क्या देखते हैं, टीवी पर, रेडियो पर और न्यूज़पेपर्स में हम लोगों को डेली वेदर रिपोर्ट सुनने को मिलता है। You are asked to carry woolen cloths when you are planning to go to a hill station. Because climate on the hill station is always cold. Okay, अगर आप कहीं हिल स्टेशन पर जा रहे हो घूमने के लिए तो आपको ये सजेशन दिया जाता है कि आप वहाँ पर वुलन क्लॉथ्स लेकर जाएं। You need not carry woolen cloths if you are going to coastal areas like Goa, Mumbai because climate there is not cold. अगर आप गोवा या मुंबई में घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको वुलन क्लॉथ्स ले जाने की बात नहीं कही जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता है, वो कोल्ड नहीं होता है, वो हॉट ह्यूमिड होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। इस तरीके से आपको ये बात समझ में आ रही है कि वेदर और क्लाइमेट में अंतर होता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट। इस चैप्टर में हम लोग वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। इसके साथ साथ हम डिफरेंट एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार से अपने जहाँ पर वो रहते हैं वो किस तरीके से क्लाइमेट के आधार पर खुद को अडेप्टेड करते हैं, उसके अनुसार ढालते हैं। नाउ वेदर, अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज गिवन इन 7.1। ओके, हियर इज 7.1 फिगर दैट इज गिवन हियर, वेदर रिपोर्ट दैट इज 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड इन ब्रैकेट प्लस 3 मिनिमम 28.6 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 2 मून राइज दैट इज 4:45 PM संडे मून सेट ऑन मंडे दैट इज 3:03 PM। ओके, देन सनसेट ऑन संडे 7:11, सनराइज ऑन मंडे 5:44 AM, पार्टली क्लाउडी स्काई, थंडरी डेवलपमेंट लाइकली इन सम एरियाज, मैक्स एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑन संडे लाइकली टू बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ऑन सैटरडे दैट वॉज 66% एंड मिनिमम 53%। ऐसा ये न्यूज़पेपर में है, तो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि ये क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। वी गेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट। क्या हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है? द टेम्परेचर, द मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स दैट इज 36.5। ओके स्टूडेंट्स, यानी ये बात समझ में आया कि बीते 24 घंटे में
तापमान क्या क्या रहा है, मैक्सिमम सबसे अधिक 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्लस माइनस प्लस 3 डिग्री सेंटीग्रेड इन द ब्रैकेट. इन द ब्रैकेट मीन्स दैट मैक्सिमम टेम्परेचर इज 3 डिग्री सेंटीग्रेड एवम नॉर्मल, यानी नॉर्मली जितना होना चाहिए उससे 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रहा है. द मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स वॉज 28.6 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 2 इन ब्रैकेट मीन्स मिनिमम टेम्परेचर इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड एबव देन नॉर्मल, यानी नॉर्मली जैसा होना चाहिए मौसम उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है. ओके, मून राइज एंड मून सेट. द मून विल राइज ऑन संडे एट 4:45 PM एंड विल सेट ऑन मंडे एट 3:03 AM. ओके, सनसेट एंड सनराइज. द सन विल सेट ऑन संडे एट 7:11 PM एंड विल राइज ऑन मंडे एट 5:44 AM. नाउ अबाउट ह्यूमिडिटी मेजरमेंट ऑफ दैट इज मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. एयर में मॉइस्चर कैसा है इसके बारे में यहाँ पे क्लियर किया गया है. द मैक्सिमम ह्यूमिडिटी रिकॉर्डेड इन द पास्ट 24 आवर्स वॉज 66 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द मिनिमम ह्यूमिडिटी वॉज 53%. यानी टोटल इसका यही डिस्क्रिप्शन हुआ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वेदर फोरकास्ट. हम अक्सर सुनते रहते हैं वेदर फोरकास्ट के बारे में कि आज बारिश हो सकती है. द फोरकास्ट ऑफ वेदर फॉर द डे टेल्स अस द स्काई इज पार्टली क्लाउडी. यानी वो क्या बता रहा है कि स्काई कैसा होगा, पार्टली क्लाउडेड होगा. थंडरिंग इज एक्सपेक्टेड इन सम एरियाज, यानी कुछ एरिया में क्या होगा, बिजली कड़केगी. द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर प्रेडिक्टेड फॉर द डे दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 28 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली. ओके, और मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर वो 37 से लेकर के 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा. वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स. ओके, अब वेदर रिपोर्ट में हमने क्या देखा कि 24 घंटे से तापमान, ह्यूमिडिटी और इसके साथ साथ रेनफॉल को 24 घंटे से मेजर किया जा रहा था. इट ऑल्सो गिव्स द टाइमिंग्स ऑफ सनराइज सनसेट, मून राइज मून सेट. ओके, सूर्योदय सूर्यास्त और चंद्रास्त और चंद्रोदय के समय को भी यह क्लियर कर रहा है. द वेदर रिपोर्ट ऑल्सो प्रेडिक्स द वेदर फॉर द डे. ओके, वेदर रिपोर्ट ये भी क्लियर करता है कि तापमान कैसा रहेगा. ओके, द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ प्लेस विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड एट्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर. ओके, वेदर किसको कहते हैं. एटमॉस्फेरिक कंडीशन किसी एक विशेष दिन का एटमॉस्फेरिक कंडीशन जहाँ पर तापमान, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, इन सब को लेकर के मेजरमेंट किया जाता हो तो दैट इज नोन एज वेदर. द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. ओके, इनको क्या बोलते हैं, वेदर के एलिमेंट्स बोलते हैं, मतलब यही डिसाइड करते हैं वेदर को. ओके, कौन सा डिपार्टमेंट वेदर रिपोर्ट देता है, दैट इज योर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. ओके, नाउ द सन काजेज चेंज इन वेदर. ओके, वेदर में जो चेंजिंग होता है वो किसके कारण होता है, सन के कारण. ओके, ऑल चेंजेस इन द वेदर आर मेनली कॉज ड्यू टू द सन. ओके, सूर्य के कारण ही वेदर में चेंजिंग आती है. द सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. ओके स्टूडेंट्स, सूर्य क्या है, एक गर्म गोले की तरीके से है जिसका तापमान बहुत अधिक है. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ. ओके, अर्थ पर लाइट का और हीट का सबसे मुख्य स्रोत एकमात्र सन है. ओके, द हीट ऑफ द सन इज एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाई द अर्थ सर्फेस, ओशन एंड द एटमोसफियर. ओके, हीट सन से, सूर्य से जो हमें हीट मिलता है वह अर्थ के सरफेस, ओशन के सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब किया जाता है. यानी ये एब्जॉर्ब भी करते हैं और इसके साथ साथ ये रिफ्लेक्ट भी करने का काम करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अबाउट
It plays important role in determining the temperature at any place. Okay, किसी भी प्लेस के टेम्परेचर को डिटरमाइन करने का यह विशेष योगदान करता है. If the temperature of air around us on a particular day is high, अगर हमारे आसपास जो एयर है उसका अगर तापमान अधिक है, we see that the weather is hot, तो हम क्या कहते हैं कि आज का वेदर गर्म है. If the temperature on a particular day is low, we see that the weather is cold. Okay, अगर तापमान कम है तो हम क्या बोलते हैं कि आज ठंड है मौसम में. The heat of the sun causes the water from the surface of ocean and land to evaporate from the water vapor to form water vapor. यानी सन का जो हीट होता है उसके कारण ओशन से और लैंड से वाटर इवेपोरेट होता है. ओके, द वाटर वेपर राइजेज हाई अप इन द एटमॉस्फेयर. जो वाटर वेपर होता है वो तेज़ी से ऊपर की ओर उठता है. गेट्स कूल्ड कंडेंसेशन एंड फॉर्म द क्लाउड. वो ठंडा हो जाता है ऊपर जाने के बाद, फिर उसके बाद कंडेंसेशन हो जाता है, मतलब छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स एक साथ कलेक्ट होती हैं एंड फॉर्म क्लाउड्स, और इस तरीके से वो क्या बना लेती हैं, क्लाउड यानी बादल बना लेती हैं. इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इज हाई इन द एयर, वी से दैट द वेदर इज ह्यूमिड. ओके, इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज हाई इन द एयर, अगर एयर में वाटर वेपर की मात्रा अधिक है तो हम ये कह सकते हैं कि आज का मौसम कैसा है, ह्यूमिड है. ओके, वी नो दैट द सन हीट्स अप द अर्थ सरफेस. हम ये बात अभी समझ गए हैं कि अर्थ सरफेस को हीट कौन करने का काम करता है, सन करता है. द हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ हीट्स द एयर नियर इट, और उसके आसपास जो एयर है उसे भी वह गर्म कर देता है. दिस हॉट एयर बीइंग लाइटर राइज अप. अब ये हॉट एयर जब ये गर्म हवा हो जाती है तो ये हल्की हो जाती है, इसलिए यह ऊपर की ओर उठता है. क्रिएटिंग एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, तो वह उस पर्टिकुलर प्लेस पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है. एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया मूव्स टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया. अब जो हवा लो प्रेशर वाला जो एरिया होता है, हाई प्रेशर की ओर वो एयर ब्लो कर जाता है. ओके, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. ओके, मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड कहते हैं. सो इट इज द हीट ऑफ द सन दैट कॉजेज द विंड टू ब्लो. ओके, यानी हवा जो चलती है इसका कारण कौन है, दैट इज द सन. व्हेन अ लॉट ऑफ एयर ब्लोज वी से दैट वेदर इज विंडी. ओके, और जब बहुत तेज़ी से हवा चलता है तो हम उसे कौन सा वेदर बोलते हैं, दैट इज विंडी. ओके, नाउ अबाउट एलिमेंट्स ऑफ वेदर. आइए देखते हैं वेदर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर इंक्लूड मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी, रेन, स्नो एंड विंड. ओके, वेदर के एलिमेंट क्या क्या हैं, जैसा कि अभी आपने पढ़ा है कि इसमें क्या क्या आते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, स्नो और विंड. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स. द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड एज मैक्सिमम टेम्परेचर एंड द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड द मिनिमम टेम्परेचर. यानी पूरे दिन में एक समय, जिस समय मिनिमम यानी सबसे अधिक तापमान होता है उसको हम मैक्सिमम टेम्परेचर बोलते हैं, और जिस समय सबसे कम तापमान होता है उसे हम मिनिमम टेम्परेचर बोलते हैं. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. ओके, किसकी मदद से तापमान नापा जाता है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर की मदद से. टू प्रिपेयर वेदर रिपोर्ट्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रीच ड्यूरिंग अ होल डे आर रिकॉर्डेड. ओके, वेदर रिपोर्ट बनाने के लिए पूरे दिन भर तापमान को रिकॉर्ड किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द फिगर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. यू कैन सी हियर
here is a parameter of maximum and here is minimum. Okay, here is about temperature. Okay, the minimum temperature for the particular day is recorded in the early in the morning. Okay students, यानी minimum temperature कब record किया जाता है? Early in the morning यानी सुबह सुबह के समय में. As the day advances it becomes warmer. जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाता है मौसम कैसा होते जाता है? वो गर्म होते जाता है. The direct sun rays heat up the ground and surrounding air. Okay, जो direct sun है उसकी heat है वो क्या करने लगता है? वो धीरे धीरे जो एयर एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है उन्हें काफ़ी गर्म करने लगता है. ओके, द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर डे रीचेज सम टाइम इन द आफ्टरनून. ओके, आफ्टरनून के बाद मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है. ओके, दिस मेक्स द सराउंडिंग वेरी हॉट एंड अनबियरेबल ड्यूरिंग समर. ओके, और गर्मियों के दिनों में यह बिल्कुल असहनीय हो जाता है. ओके, गर्मी के कारण. फॉर दिस रीज़न वी फील मिजरेबल इन द आफ्टरनून ड्यूरिंग समर. और यही कारण होती है कि गर्मियों में आफ्टरनून के बाद यानी आफ्टर 12 o'clock हमको सबसे अधिक गर्मी लगती है और सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है. नाउ अबाउट ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इज़ द मेजर ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर. ओके, एयर में उपस्थित मॉइस्चर कंटेंट को ही हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं. व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज हाई वी से दैट ह्यूमिडिटी इज हाई. जब वाटर वेपर की मात्रा एयर में अधिक होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कि ह्यूमिडिटी हाई है. द वेदर रिपोर्ट इन न्यूज़पेपर्स शो ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज. ओके, परसेंटेज के रूप में ही ह्यूमिडिटी को शो किया जाता है न्यूज़पेपर्स में. दे एक्चुअली रेफर टू अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी. वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती हैं. रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो ह्यूमिडिटी होती है जो वाटर एयर में उपस्थित वाटर वेपर के अमाउंट को क्लियर करता है. इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड ओके, इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर. ओके, इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर. ओके, यह एक्सप्रेस करता है, यह इस बात को क्लियर करता है कि कितनी अधिक से अधिक अमाउंट में वाटर वेपर को एयर होल्ड कर सकता है. ह्यूमिडिटी ऑफ 100% एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर मीन्स दैट द एयर इज सेचुरेटेड विद द वाटर वेपर एट द टेम्परेचर. मतलब ये क्या शो कर रहा है? अगर 100% ह्यूमिडिटी हो गई है तो एयर क्या हो चुकी है? सेचुरेटेड हो चुकी है. उसमें मैक्सिमम कंटेंट किसका हो चुका है? ह्यूमिडिटी का या वाटर वेपर का हो चुका है. ह्यूमिडिटी ऑफ 50% मीन्स दैट एयर कंटेंट्स हाफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर द सेचुरेशन एट दैट टेम्परेचर. ओके, 50% का मतलब कितना कंटेंट है वाटर वेपर का? दैट इज योर 50%. रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर. ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसकी मदद से मापी जाती है? वो हाइग्रोमीटर की मदद से नापी जाती है. ओके, दिस इज हाइग्रोमीटर. विद द हेल्प ऑफ इट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड. ओके, रेन एंड स्नो. आइए रेन और स्नो के बारे में जानते हैं. इन द क्लाउड्स When the water droplet join together become heavy, they come down as rainfall. Okay, होता क्या है कि जब water droplets यानी छोटी छोटी बूंदें एक साथ मिल करके वो क्या करती हैं, एक साथ होने के बाद वो पानी की बूंदों के रूप में वो रेनफॉल के रूप में अर्थ पर गिरने लगती हैं. When the temperature is very low, the water droplet in a cloud freeze in crystal of ice and fall down as snow. ओके, और कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है टेम्परेचर बहुत लो होने के कारण जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं और वो स्नो के रूप में अर्थ पर गिरती हैं. रेनफॉल इज जनरली मेजर्ड इन मिलीमीटर विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज. ओके, यानी एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसकी मदद से हम किसको मापते हैं,
हम वर्षा को माप सकते हैं, उसको किस में मापा जाता है, मिलीमीटर में मापा जाता है, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है रेन गेज। ओके, रेन गेज, यू कैन सी हियर इज रेन गेज। ओके, रेन गेज इज अ मेजरिंग सिलेंडर। ओके, रेन गेज क्या होता है, ये एक मेजरिंग सिलेंडर होता है विद अ फनेल एट द टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। उसके ऊपर क्या लगा होता है, एक फनेल लगा होता है। रेन गेज मेजर्स द रेनफॉल एट अ प्लेस इन मिलीमीटर। ओके, रेन गेज का काम ये होता है कि किसी भी प्लेस पर वो वहाँ की वर्षा को मिलीमीटर में मापता है। ओके, नाउ अबाउट विंड। ओके, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ओके, मूविंग एयर को क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन विंड्स ब्लो फ्रॉम माउंटेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया टूवर्ड्स द नॉर्दर्न प्लेन द प्लेन्स बिकम वेरी कोल्ड। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आई आपको, सर्दियों में ठंड क्यों अधिक लगती है, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया से नॉर्दर्न प्लेन की ओर ठंडी हवा चलती है, इसलिए सर्दियों में बहुत अधिक ठंड लगती है। ड्यूरिंग समर द विंड ब्लोज द वेस्टर्न इंडिया टूवर्ड्स द सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया एंड दीज रीजन्स बिकम वेरी हॉट। और गर्मियों में क्या होता है, वेस्टर्न इंडिया से ईस्टर्न इंडिया की ओर विंड चलती है, जिसके कारण सीजन कैसा हो जाता है, वेदर कैसा हो जाता है, वेदर बहुत ही गर्म हो जाता है। नाउ हियर इज फ्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, नाउ क्लाइमेट, व्हाट इज क्लाइमेट। मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एट वेरियस प्लेसेस एवरी डे। ओके, मेट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनका काम ये होता है कि डिफरेंट प्लेसेस पर तापमान को रिकॉर्ड करते हैं। द रिकॉर्ड्स ऑफ वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर पास्ट सेवरल डिकेड्स। कई सौ सालों से इस तापमान का एक रिकॉर्ड हमेशा होते रह रहा है। दीज रिकॉर्ड्स हेल्प द मेट्रोलॉजिस्ट टू डिटरमाइन वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। ओके, इस रिकॉर्ड की मदद से वो किसी एक प्लेस का वेदर पैटर्न वो डिसाइड करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न एट अ प्लेस टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 24 ईयर्स इट इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ एट प्लेस। यानी एवरेज टेम्परेचर लगभग 25 सालों से किसी एक स्थान का जो औसत तापमान रहता है, औसत जो वेदर होता है, उसी को हम वहाँ का क्लाइमेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टेम्परेचर ऑफ इन द हिमालयन रीजन इज वेरी लो मोस्ट ऑफ द टाइम। दैट्स वाई वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ हिमालयन रीजन इज वेरी कोल्ड। ओके, पिछले कई सौ सालों से जो तापमान हिमालयी रीजन का लिया गया है, हिमालयन रीजन में यही देखने को मिला है कि हमेशा वहाँ पर तापमान क्या होता है, दैट इज लो। ओके, दैट इज कोल्ड। इसी कारण से वहाँ पर हम उस वहाँ के प्लेस को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड रीजन बोलते हैं। द टेम्परेचर इन द थार डेजर्ट इज वेरी हाई मोस्ट ऑफ द टाइम। दैट्स वाई वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ थार डेजर्ट इज वेरी हॉट। इसके साथ साथ सेम थार डेजर्ट की बात है अगर देखा जाए तो वो भी लंबे समय से वहाँ पर जो रिकॉर्ड किया गया है, वहाँ पर तापमान हमेशा अधिक गर्म ही होता है। इन सम पार्ट्स ऑफ मेघालय द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज 260 सेंटीमीटर एंड एबव। और हिमालय, इसके साथ साथ अगर हम मेघालय की बात करें तो वहाँ पर भी जो रेनफॉल होता है वो 260 सेंटीमीटर से अधिक ही होता है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे। लगभग प्रतिदिन वहाँ बारिश होती है। वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ मेघालय इज हॉट एंड ह्यूमिड। और इसीलिए हम वहाँ का कैसा हम क्लाइमेट बताते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड। इन जैसलमेर राजस्थान द एनुअल रेनफॉल इज 10 to 12 centimeters इन अ ईयर। ओके, जैसलमेर राजस्थान में जो एनुअल रेनफॉल होती है वो 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर तक होती है। वी से जैसलमेर हैज़ अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जैसलमेर हॉट और ड्राई क्लाइमेट वाला रीजन है। द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज कैलकुलेटेड इन 2 steps। ओके, मीन टेम्परेचर को मंथ में 2 स्टेप में उसे कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। सबसे पहले हम
तापमान एवरेज तापमान को हम रिकॉर्ड जो होता है उसका रिकॉर्ड बनाते हैं एंड देन वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मेनी ईयर्स, और उसके बाद कई सालों से जो औसतन तापमान रहा है इन दोनों का कैलकुलेशन किया जाता है। नाउ अबाउट क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन, अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं क्लाइमेट और एडाप्टेशन के बारे में। क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ओके, क्लाइमेट का हर एक जीवधारी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। द ऑर्गेनिजम्स हैव सम फेवरेबल फीचर्स लाइक बॉडी शेप एंड स्ट्रक्चर, कलर, साइज, बिहेवियर और फूड हैबिट दैट सूट द क्लाइमेट ऑफ दियर हैबिटेट। और इस तरीके से देखा जाए तो ऑर्गेनिज्म में कुछ फेवरेबल फीचर्स यानी बॉडी शेप, स्ट्रक्चर, कलर, बिहेवियर, यहाँ तक कि फूड हैबिट भी उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग होती है। द फेवरेबल फीचर्स द एंड हैबिट्स दैट हेल्प द ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव एंड ब्रीड इन दियर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एडाप्टेशन। मतलब फेवरेबल वह फेवरेबल हैबिटेट यानी निवास स्थान जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहकर आसानी से वह सर्वाइव कर सकता है और इसके साथ साथ वो ब्रीडिंग भी कर सकता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल लाइक लिविंग इन वेरी कोल्ड और हॉट क्लाइमेट मस्ट हैव सम एडाप्टेशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो जितने भी प्लांट और एनिमल होते हैं वो अगर अधिक गर्म या ठंडे स्थान पर रहते हैं तो वो खुद को बचाने के लिए वो उनमें कुछ ऐसी कंडीशनल चेंजेस आ जाती हैं, ओके, एडाप्टेशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट क्लाइमेट कंडीशन, यानी अधिक ठंड या अधिक गर्म से खुद को बचाने के लिए वो एडाप्टेशन कर लेते हैं, खुद को उसके अनुसार ढाल लेते हैं। लेट अस नो अबाउट द एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आइए अब जानते हैं कि पोलर रीजन के जो एनिमल्स होते हैं उनमें किस टाइप के एडाप्टेशन पाए जाते हैं। द एरियाज सिचुएटेड नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोलर रीजन। पोलर रीजन किसको बोलते हैं, मतलब अर्थ का नॉर्थ नियर द एरिया सिचुएटेड नियर नॉर्थ एंड साउथ पोल, यानी अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल पर जो भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, पोलर रीजन बोलते हैं, ओके। द दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड हैव एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। ये जो भाग हैं ये हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं तथा यहाँ पर बहुत ही अधिक सर्दी पड़ती है। फॉर सिक्स मंथ द सन डज नॉट सेट एट द पोल वाइल फॉर द अदर सिक्स मंथ द सन डज नॉट राइज, यानी छः महीने वहाँ पर क्या होता है, छः महीने वहाँ पर सूर्योदय रहता है और अगले छः महीने तक सूर्यास्त रहता है कम्प्लीटली। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, और सर्दियों में तापमान लगभग -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। सो सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन आर कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन साउथ इन USA एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रसिया। ये सभी ऐसे पार्ट हैं जो कहाँ हैं, दे आर नियर पोलर रीजन। पोलर बियर्स, अब वहाँ पर डिफरेंट कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, पोलर बियर, पेंगुइन, मस्क ऑक्सेन, रेंडियर, फॉक्सेस, सील्स, व्हेल्स एट्सेट्रा लिव इन पोलर रीजन। लेट अस सी हाउ दीज एनिमल्स आर एडाप्टेड इन पोलर रीजन बाय कंसीडरिंग द एग्जांपल ऑफ पोलर बियर एंड पेंगुइन। आइए अब हम पोलर बियर और पेंगुइन के आधार पर हम समझते हैं कि वो किस तरीके से खुद को एडाप्टेड करते हैं। पोलर बियर आर परफेक्टली एडाप्टेड टू लिव इन आइस कोल्ड इन्वायरमेंट ऑफ द आर्कटिक पोलर रीजन, ओके। पोलर बियर परफेक्टली एडाप्टेड होता है
वो आइस कोल्ड इन्वायरमेंट में रहने के लिए जो आपका आर्कटिक पोलर रीजन का पार्ट है। दे हैव फॉलोइंग एडाप्टेशंस, आइए देखते हैं उनमें क्या क्या एडाप्टेशन पाई जाती हैं। पहली चीज़ स्ट्रांग स्मेलिंग नोज, देन होलो हेयर ट्रैप, एयर इन द बॉडी, वाइट फर, हेल्प इन कामोफ्लेज, देन विंड एंड लार्ज पा, ओके, नॉट स्लिप सोल टू ग्रिप द आइस, इनका जो सोल होता है वो आइस पर ग्रिप अच्छे से बनाता है। नाउ अबाउट पोलर बियर हैव टू थिक लेयर ऑफ फर ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी पर जो हेयर होता है उसकी दो घनी लेयर पाई जाती है। द आउटर थिक लेयर ऑफ द फर इज मेड अप ऑफ होलो हेयर, ओके, जो आउटर लेयर होता है वो ऐसा पाया जाता है कि उसमें हवा भरी रहती है। द होलो एयर ट्रैप द एयर, ओके, एंड कीप द बॉडी वार्म, ओके, और जो होलो हेयर होता है वो एयर को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि एयर क्या होता है, वो बैड कंडक्टर होता है हीट का, और वो इस तरीके से क्या हो जाता है, उसकी बॉडी गर्म रहती है। दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर अंडर द स्किन दैट कीप्स द बॉडी वार्म इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, ओके, उनकी जो स्किन होती है, स्किन उसके नीचे फैट की मोटी लेयर पाई जाती है जिसे ब्लबर बोला जाता है, जो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी उन्हें गर्म रखने में मदद करता है। दिस फैट लेयर आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन व्हेन फूड बिकम्स स्केयर इन सीवियर कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन, यहाँ तक कि जो ये फैट लेयर है जब उन्हें भोजन अच्छे से नहीं मिल पाता है तो ये उन्हें एनर्जी देने का काम यानी उनको सर्वाइव करने में मदद करते हैं। दे हैव वाइट कलर्ड फर सो दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नो वाइट, ओके, इनका जो फर होता है यानी जो हेयर होता है वो वाइट कलर में होता है, जो स्नो वाइट यानी जो बर्फ का कलर होता है उससे मिलता जुलता होता है, इसलिए वो ईजिली खुद को बर्फ में, जो डिफरेंट एनिमल्स हैं जो इनके प्रीडेटर्स हैं उनसे वो खुद को बचा पाते हैं। इट प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट देयर प्रीडेटर्स, ओके, इट आल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे, अपने उनके शिकार को पकड़ने में भी इनको मदद देता है, इसके साथ साथ ये इनको खुद को बचाने में भी मदद करता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट दे कैन लोकेट एंड कैच देयर प्रे फॉर फूड, उनकी सेंस यानी उनकी जो स्मेल होती है वो अच्छे से दूर से ही अपने शिकार को सूंघ लेते हैं और फिर वो उनका शिकार कर लेते हैं। दे हैव शॉर्ट ईयर्स एंड टेल, दिस प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉडी हीट थ्रू दीज पार्ट्स, ओके, इनका टेल और ईयर छोटा होता है, ये क्या छोटा होने से उनकी बॉडी के हीट को वो वेस्ट होने से बचाता है। दे हैव लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज दैट हेल्प देम टू वॉक ऑन आइस, उनका जो पा यानी जो क्ला होता है वो शार्प होता है और कर्व्ड होता है, जिससे ये हेल्प होता है कि वो आइस पर फिसलते नहीं हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज मेक द पोलर बियर फील हॉट, और जब वो फिजिकल एक्टिविटी कुछ करते हैं तो उससे उनको गर्मी मिलती है। सो दे कूल देमसेल्फ बाय स्विमिंग इन द आइसी सी, और उसके बाद वो खुद को जब अधिक गर्मी फील करते हैं तो आइसी सी में यानी जिसमें वहाँ का जो पानी जमा हुआ जो रीजन पार्ट होता है उसमें वो तैरते हैं। दे मूव स्लोली टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड, ओके, और वो धीरे धीरे घूमते हैं ताकि वो ओवर हीटिंग उनकी बॉडी नहीं हो पाए। देयर पा आर वाइड एंड लार्ज दैट हेल्प देम नॉट ओनली इन स्विमिंग बट ऑल्सो इन वॉकिंग विद ईज ऑन स्नो, उनके जो पाज होते हैं वो वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं, जो उन्हें पानी में तैरने में भी मदद करते हैं, इसके साथ साथ बर्फ पर चलने में भी मदद करते हैं। दे आर एक्सलेंट स्विमर, वो बहुत ही अच्छे तैराक होते हैं। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर दे क्लोज देयर नॉस्ट्रिल्स, जब वो पानी में तैरते हैं उसके अंदर तो अपनी नाक को बंद रखते हैं। एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, यहाँ तक कि वो लंबे समय तक खुद को पानी के अंदर भी रख सकते हैं। नाउ अबाउट एडाप्टेशन इन
पेंगुइन्स, आइए जानते हैं कि पेंगुइन कैसे खुद को अडेप्टेड कर की हैं। पेंगुइन्स आर फ्लाइटलेस बर्ड दैट लिव इन द अंटार्कटिक रीजन। ओके, ये फ्लाइटलेस यानी ये उड़ने वाली चिड़िया नहीं होती हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं? दे आर फाउंड इन अंटार्कटिक रीजन। ओके, ये अंटार्कटिक रीजन में पाई जाती हैं। पेंगुइन डू नॉट हैव प्रीडेटर्स इन द रिमोट आइसी रीजन वेयर दे लिव। ओके, इनके कोई प्रीडेटर्स नहीं होते हैं, मतलब इनका कोई शिकार नहीं करता है। दे ईट फिश। ओके, यस, लैंड पर यानी ज़मीन पर ये अपना कोई शिकार नहीं करती हैं, बल्कि अपना शिकार कहाँ करती हैं? पानी में करती हैं। दे ईट फिश, दे आर वेरी गुड स्विमर्स सो एज टू लुक फॉर देयर फूड। ये अच्छे तैराक होते हैं और ये मछलियों को खाना पसंद करते हैं। सिंस दे डू नॉट नीड टू फ्लाई टू लुक फॉर देयर फूड, दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू फ्लाई। ओके, क्योंकि उनको भोजन की तलाश के लिए उड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो पानी के अंदर जाकर फिशेस को खाते हैं, इसलिए इनकी उड़ने की जो क्वालिटी थी वो फिनिश हो गई। पेंगुइन कैन लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट ऑफ द पोलर रीजन ड्यू टू द फॉलोइंग एडेप्टेशन। ओके, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी कैसे पेंगुइन पोलर रीजन में रह पाती हैं, आइए उसके हम एडेप्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। दे आर वाइट इन कलर विथ ब्लैक कलर्ड फीदर ऑन देयर बैक। ओके, उनका कलर क्या होता है? वाइट होता है और उनके बैक पर कैसा बना होता है? ब्लैक कलर का पैचिंग पाई जाती है, ब्लैक कलर की। द वाइट कलर मर्ज वेल विद द वाइट सराउंडिंग ऑफ द आइस एंड स्नो। ओके, आइस और स्नो से उनकी जो वाइट कलर होती है वो कम्प्लीटली मर्ज हो जाती है। मानिए जैसे समझ में आता है कि केवल आप बर्फ ही देख रहे हैं। द ब्लैक कलर्ड फेदर ऑन द पेंगुइन पेंगुइन्स बैक एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सन एंड हेल्प देम कीप वार्म ड्यूरिंग द डे। और जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स उनकी बॉडी पे पाई जाती है, उससे उनको क्या होता है कि जब जब सन रेज होती हैं डे टाइम में, तब वो अधिक से अधिक गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे हैव थिक स्किन एंड अ लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर बिलो देयर स्किन। इनके भी स्किन के नीचे ब्लबर पाया जाता है दैट हेल्प्स देम वार्म इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। ओके, जो इनको अधिक से अधिक गर्म सर्दी भरे मौसम में उनको गर्म रखने में मदद करता है। नाउ दे हडल टुगेदर इन ग्रुप्स टू कीप देमसेल्फ वार्म्स। ओके, ये एक दूसरे को गर्म रखने के लिए साथ में एक ग्रुप में रहते हैं। ईच ग्रुप में कंप्राइज सेवरल थाउजेंड पेंगुइन, यानी एक जो इनकी ग्रुप होती है उसमें कई हजारों पेंगुइन की संख्या रहती है। ओके, दे आर एक्सलेंट स्विमर, वो बड़ी अच्छे तैराक होते हैं। दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी। ओके, नाव के आकार की उनकी शरीर होती है। फ्लिपर्स लाइक विंग्स एंड वेब्ड फीट। ओके, इनकी जो विंग होती है वो फ्लिपर लाइक होती है, वो उनको तैरने में हेल्प आउट करती है। एंड वेब्ड फीट, इनका जो पैर होता है वो वेब्ड होता है, यानी जाल जैसा होता है। दे हेल्प दैट हेल्प देम टू स्विम, वो उनको क्या करने में मदद करते हैं? तैरने में मदद करते हैं। नाउ अबाउट माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या होता है? बर्ड माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन द विंटर सेट इन। ओके, जब बर्ड्स हमेशा सर्दियों में वो माइग्रेट करके गर्म स्थान पर चले जाते हैं। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर, जब सर्दी ख़त्म होती है तो वापस आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन, और इस प्रक्रिया को ही हम माइग्रेशन कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन माइग्रेटरी बर्ड दैट कम्स टू इंडिया एवरी ईयर फॉर फ्यू मंथ्स इज साइबेरियन क्रेन। ओके, अगर मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो सबसे विशेष माइग्रेटरी बर्ड में साइबेरियन क्रेन होता है, जो कि हर साल कुछ महीनों के लिए इंडिया में आता है। ओके स्टूडेंट्स, द नॉर्मल हैबिटेट ऑफ साइबेरियन क्रेन इज साइबेरिया। ओके, जनरली ये कहाँ पाए जाते हैं? साइबेरिया में पाए जाते हैं।
When winter set in Siberia, जब साइबेरिया में विंटर समाप्त हो जाती है, it gets extremely cold, okay, तो वहाँ सर्दी बहुत अधिक पड़ती है, okay, at the time when winter set in, winter जब प्रारंभ होती है, okay, साइबेरिया में जब ठंडी प्रारंभ होती है तो वहाँ ठंडी बहुत अधिक पड़ती है. At that time, the Siberian crane fly thousands of kilometers and come to relatively warmer places in India, such as Bharatpur in Rajasthan, Sultanpur in Haryana and some other places, parts of India. इस तरीके से हजारों किलोमीटर तक ये उड़ते हुए ये क्रेन भारत के डिफरेंट पार्ट्स में आ जाते हैं, जिनमें भरतपुर राजस्थान, सुल्तानपुर हरियाणा, इस तरीके से ये कई ऐसे भारत के रीजन हैं, भाग हैं, जहां पर वो आकर के सेटल हो जाते हैं. दे स्टे एट द वार्मर प्लेसेस इन इंडिया फॉर फ्यू मंथ्स, ओके, और ये वहां पर कुछ महीनों के लिए ही रहते हैं. द साइबेरियन क्रेन फ्लाई बैक टू साइबेरिया व्हेन द विंटर गेट्स ओवर देयर, ओके, और जैसे ही ठंडी साइबेरिया में ओवर होती है वो फिर वापस चले जाते हैं. एंड क्लाइमेट बिकम फेवरेबल, जब क्लाइमेट उनके लिए फेवरेबल हो जाता है और ठंडी समाप्त होती है तो ये वापस चले जाते हैं. मैमल्स, मेनी टाइप ऑफ फिशेज एंड इंसेक्ट ऑल्सो माइग्रेट सीजनली इन सर्च ऑफ सुटेबल क्लाइमेट, ओके, मैमल्स और डिफरेंट टाइप के फिशेज और इंसेक्ट भी माइग्रेट करके वो भी सुटेबल क्लाइमेट की ओर चले जाते हैं. एवरी विंटर द आर्कटिक टर्न्स फ्लाई ऑल द वे टू अंटार्कटिका एंड रिटर्न टू द आर्कटिक रीजन व्हेन इट इज समर, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट, ओके, 3,500 किलोमीटर्स, ओके, 35,000 किलोमीटर्स, ओके. स्टूडेंट्स देखिए, आर्कटिक टर्न एक ऐसा माइग्रेटरी बर्ड है जो अंटार्कटिका से वो लगभग 35,000 किलोमीटर की दूरी तय करके वह आ जाता है. अब आप सोचिए कि इतनी दूरी तक, डिस्टेंस तक वो तय करके खुद को सेव करने के लिए आ जाते हैं. एंड रिटर्न टू आर्कटिक रीजन व्हेन इट इज़ समर, और जब समर आ जाता है तब वो वापस कहाँ चले जाते हैं, आर्कटिक रीजन में चले जाते हैं, यानी अंटार्कटिक से लेकर के वो आर्कटिक तक की दूरी तय करते हैं. सोचिए कितना लॉन्ग डिस्टेंस है, कवरिंग डिस्टेंस अबाउट 35,000, सोचिए 35,000 किलोमीटर की वो यात्रा करके आते हैं और फिर वापस अपने जगह पे चले जाते हैं. हाउ दीज बर्ड्स ट्रैवल टू द सेम प्लेस एवरी ईयर, सेम प्लेस पर वो कैसे ट्रैवल करके पहुंच जाते हैं, इट इज़ अ मिस्ट्री, ये कंप्लीट एक मिस्ट्री, एक रहस्य है. इट सीम्स सम बर्ड्स हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन व्हाइल सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज्ड लैंडमार्क फॉर गाइडेंस. देखिए इसमें क्या होता है, कुछ तो चिड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनको डायरेक्शन का, दिशा की एक समझ होती है, जबकि और संभवतः कुछ ऐसे होते हैं जो लैंडमार्क्स फॉर अ गाइडेंस, यानी गाइडेंस के लिए वो कुछ लैंडमार्क्स को वो मेमोराइज करते हैं. मेनी टेक गाइडेंस बाय द डायरेक्शन ऑफ सन एंड स्टार्स, कुछ तो ऐसे हैं जो सन और स्टार्स से डायरेक्शन को वो समझ पाते हैं. देयर इज सम एविडेंस दैट बर्ड्स यूज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड द डायरेक्शन. इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी मतलब प्रूफ मिले हैं जिसमें कि बर्ड्स क्या करती हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड्स के आधार पर भी वो अपने डायरेक्शन को तय करती हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर इज फ्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दैट यू हैव टू सॉल्व इट. नाउ हियर इज दैट इज ट्रॉपिकल रीजन. व्हाट इज ट्रॉपिकल रीजन? द एरिया दैट लाई क्लोज टू द इक्वेटर आर कॉल्ड द ट्रॉपिकल रीजन. इक्वेटर के करीब पाए जाने वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं. दे एक्सटेंड बिटवीन 10 degrees north एंड 10 degrees south, ओके, वो कहाँ पाए जाते हैं, 10 degrees south और नॉर्थ और साउथ के बीच में पाए जाते हैं. द ट्रॉपिकल रीजन हैव हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद एबंडेंट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ओके. ट्रॉपिकल रीजन में हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, इसके साथ साथ वहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है, ओके. दे हैव
सनलाइट फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स, इसके साथ साथ वहाँ पर 12 घंटे तक इक्वली लेंथ थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल अगर देखा जाए तो दिन और रात लगभग एक बराबर होता है और 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। द ट्रॉपिकल रीजन हैव डेंस फॉरेस्ट, ओके, ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ही घना जंगल पाया जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका एंड मेनी आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशन। ओके, ट्रॉपिकल रीजन कहाँ कहाँ ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एंड साउथ ऑल आर द एंड पैसिफिक ओशन एट ऑल। ओके, दे आर मोस्टली फेमस फॉर द ट्रॉपिकल रीजन। ओके, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर होम ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल ड्यू टू कंटिन्यूस वार्म एंड रेन। ओके, यहाँ पर क्योंकि कंटिन्यूसली वार्म और रेन दोनों मिलती है, इसलिए यहाँ पर कई ऐसी पौधे और जानवरों की वेराइटीज़ पाई जाती हैं। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर मंकी, एप्स, गोरिल्ला, लायन, टाइगर, एलिफेंट, लियोपोर्ड, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, मोस्टली दे आर फाउंड। ओके, मेजर टाइप ऑफ एनिमल यही हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं। Since a large number of animals live in these forests, therefore there is an intense competition of food for food and shelter. क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में different animal पाए जाते हैं, इसलिए food और shelter के लिए यहाँ पर बहुत ही competition चलता है। Let us study the adaptation of some of animals living in the hot and humid climate of the tropical rainforest. आइए अब हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में किस तरीके से एनिमल एडाप्टेशन करते हैं इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एडाप्टेशन इन एलिफेंट्स, एन एलिफेंट इज वेरी लार्ज एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सबसे लार्ज एनिमल एलिफेंट को बोला जाता है। इट कैन लिव एंड सर्वाइव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ड्यू टू द फॉलोइंग एडाप्टेशन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये इजली इसलिए रह सकता है क्योंकि वो कुछ एडाप्टेशंस उसके अंदर पाई जाती हैं, आइए जिसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। द ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट इज बेसिकली एन इलॉन्गेटेड नोज, जैसा कि आप जानते हैं कि हाथियों का जो ट्रंक होता है वो एक लंबी नाक होती है। ओके, द ट्रंक हेल्प द एलिफेंट इन मेनी वेज, ये किस तरीके से उनको मदद करती है। द एलिफेंट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल बिकॉज इट यूज इट्स ट्रंक एज नोज, नाक के रूप में अपने ट्रंक को इस्तेमाल करती है, इसलिए उसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छी होती है, यानी वह सूंघ करके चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकती है। द एलिफेंट यूजेज इट्स ट्रंक्स टू पिक अप द फूड एंड पुट इट इनटू द माउथ, इसका काम क्या होता है ट्रंक का, वो फूड को उठाने और मुंह में रखने में उससे मदद लेता है। द एलिफेंट यूजेज इट्स ट्रंक फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ओके, इनका जो काम होता है इसकी मदद से वो क्या करते हैं, वाटर को सक करते हैं, पानी पीने में भी इनकी मदद ये लेते हैं। ओके, ट्रंक की मदद से। ओके, द एलिफेंट्स हैज़ बिग एंड लॉन्ग पॉइंटेड टीथ कॉल्ड टस्क्स। ओके, एलिफेंट में साइड में दो लंबे दांत पाए जाते हैं जिसको हम टस्क बोलते हैं। टस्क आर मॉडिफाइड टीथ ऑफ द एलिफेंट, ये क्या होते हैं, ये एलिफेंट के मॉडिफाइड टीथ होते हैं। इट यूजेज द टस्क टू टीयर ऑफ द बार्क ऑफ ट्रीज दैट ईट्स एट एज फूड, उसकी मदद से वो पेड़ों की छाल को वो काटने में उनकी मदद मिलती है। इट ऑल्सो यूजेज इट्स ट्रंक फॉर फाइटिंग विद एनिमीज एंड प्रोटेक्टिंग इट्सेल्फ, अपने ट्रंक की मदद से वो एनिमीज से लड़ता भी है और ख़ुद को बचा भी पाता है। द एलिफेंट हैज़ लार्ज ईयर्स, उसके कान बहुत बड़े होते हैं। The elephant can hear even lowest sound made by its predator. Okay, उसके जो शिकारी होते हैं उसकी थोड़ी सी भी साउंड को, लोएस्ट साउंड को भी वो आसानी से सुन लेती है। So it can sense the danger and run away for the safety. इसलिए वो खतरे को थोड़े ही
उसको तुरंत सुन लेती है और वो खुद को बचा लेती है, सेफ स्थान पर लेकर चली जाती है। When the temperature rises, the elephant flap their large ears and use them as fans to cool themselves. Okay? जब तापमान अधिक हो जाता है तो वो अपने ईयर्स की मदद से खुद को कूल डाउन करने में भी मदद लेती है। Now about adaptation in big cats. Wild animals such as lions, tigers and leopard are called big cats. Okay? Big cats किसको बोलते हैं? Lion, tigers and leopard को कहते हैं। The various adaptations in the big cats that help them live and survive in tropical rainforest are as follows. The big cats eat only meat of other animals. ओके, ये क्या करते हैं बिग कैट्स यानी लायंस और टाइगर, क्या खाते हैं? ये दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। फॉर दैट दे हैव अ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल दैट हेल्प्स देम लोकेट देयर प्रे। ओके, इस तरीके से उनकी जो स्मेल पावर होती है वो हाईली डेवलप्ड होती है और वो ईजिली अपने शिकार को सूंघ करके वो समझ लेते हैं। द येलो ब्राउन कलर ऑफ लायन एंड येलो ब्राउन कलर विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑफ टाइगर हेल्प देम कामूफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद दियर सराउंडिंग्स। ओके, इसके साथ साथ इनका इनका जो कलर होता है, जैसे लायन का येलो ब्राउन कलर और टाइगर का येलो ब्राउन कलर विद ब्लैक स्ट्रिप, वो क्या करता है इनको सराउंडिंग से कलर अपनी मैच कराकर खुद को छिपाने में मदद करता है। ओके, इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स, इस तरीके से वो शिकारियों से खुद को बचा पाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प देमसेल्फ इन कैचिंग देयर प्रे, इसके साथ साथ ये इनको अपने शिकार को पकड़ने में भी मदद करता है। ये डिफरेंट जो ग्रास होते हैं, सूखे हुए ग्रास, उसमें वो छिप जाते हैं और पता भी नहीं चल पाता है। द बिग कैट्स हैव शार्प आई साइट टू लोकेट देयर प्रे फ्रॉम अ डिस्टेंस, इनकी आई साइट इतनी शार्प होती है कि ये दूर से आते हुए अपने शिकार को ये देख लेते हैं। द बिग कैट्स रन अवे फास्ट दैट हेल्प देम कैच देयर प्रे, इसके साथ साथ ये बिग कैट्स, इनकी स्पीड बहुत तेज होती है इसलिए ये अपने शिकार को बड़े आसानी से पकड़ लेते हैं। द बिग कैट्स हैव लॉन्ग स्ट्रॉन्ग शार्प क्लॉज दैट इन देयर फ्रंट लेग्स टू कैच प्रे एंड होल्ड देयर प्रे। ओके, इनका जो अगला जो पंजा होता है वो बहुत ही लंबा और मजबूत और इसके साथ साथ शार्प यानी बहुत ही तेज होता है, उसकी मदद से वो नुकीला होता है, उसकी मदद से वो अपने शिकार को पकड़ते हैं और इसके साथ साथ उन्हें उसकी मदद से खाने में भी हेल्प आउट वो करते हैं। नाउ एडाप्टेशन इन रेड आई फ्रॉग। ओके, द रेड आई फ्रॉग हैज़ बिग एंड बल्जिंग ब्राइट रेड आई, सो इट इज़ कॉल्ड रेड आइज फ्रॉग। ओके, रेड आइज फ्रॉग इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी आँखें लाल और उभरी हुई होती हैं। ओके, इट इज़ कॉल्ड रेड आइज फ्रॉग, इट हैज स्टिकी पैड ऑन इट्स फीट दैट हेल्प टू क्लाइंब ईजिली ऑन द ट्रीज ट्रंक ऑन विच इट लिव्स, इसका जो पैर जो होता है फीट होता है, फीट पर क्या पाया जाता है, स्टिकी पैड होता है, मतलब चिपचिपा होता है। यह जैसे ही ये ट्रीज के ऊपर अपना वो पैर रखते हैं वो उस पर चिपक जाता है, इस तरीके से उसकी मदद से वह पेड़ पर उनको चढ़ने में मदद मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अबाउट एडाप्टेशन ऑफ टॉकन। ओके, टॉकन का क्या होता है एडाप्टेशन? द टॉकन हैज़ अ लॉन्ग कलरफुल बीक दैट मेजर्स मोर देन हाफ द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी। ओके, टॉकन का जो बीक होता है उसकी शरीर का लगभग आधा होता है उसकी लंबाई। द लॉन्ग बीक हेल्प द टॉकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन द सच ब्रांचेज दैट आर टू वीक एंड टू सपोर्ट इट्स वेट आर द वेट ऑफ एनी अदर एनिमल्स। ओके, इस तरीके से वो उसकी जो बीक होती है उसकी मदद से वो दूरी पर भी उससे जो अधिक फ्रूट्स अवेलेबल हैं उसकी मदद से वो क्या कर लेता है, उसे पा लेता है। इसके साथ साथ ट्रीज़ पर उसको बैलेंस करने में भी हेल्प आउट करता है। ओके, नाउ एडाप्टेशन इन
lion tailed macaw. Okay, the lion tailed macaw has silver white mane. Okay, जो lion tailed macaw होते हैं उनका सिल्वर वाइट मेन होता है, यानी उनका जो मुंह के बगल का जो बाल होता है वह सिल्वर वाइट कलर का होता है. इट सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन. उसकी ठुड्डी से लेकर के चारों तरफ ये पाया जाता है. दिस गिव्स दिस मंकी इट्स जर्मन नेम बियर्ड एप. ओके, इसका यह नाम जर्मन है, जो जर्मन मंकी के नाम पर इसको रखा गया है, बियर्ड एप के नाम पर. दिस मंकी इट्स जर्मन नेम बियर्ड एप. ओके, इसके कारण इसका नाम क्या रखा गया, बियर्ड एप. द टेल इज मीडियम अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर. उसका जो टेल होता है, पूंछ होता है, वो लगभग 25 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है. एंड हैज़ अ ब्लैक टफ एट द एंड सिमिलर टू अ लायंस टेल. ओके, इसके साथ साथ इट हैज़ द एंड सिमिलर टू अ लायंस टेल, यानी ये इसका जो पूंछ होता है वो लगभग शेर के जैसा होता है. ओके, इट फीड मेनली ऑन फ्रूट्स, सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स. मेनली वो इन सब चीज़ों को खाता है. इट ऑल्सो ईट्स इंसेक्ट फाउंड अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज. ओके, पेड़ों की छाल के नीचे जो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं उन्हें भी खाता है. सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशियंट फूड फॉर द ट्रीज, इट इज़ रेयरली कम डाउन ऑन द ग्राउंड टू स्पेंड द मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्रीज. ओके, क्योंकि इसको फूड ट्रीज पर ही अवेलेबल हो जाता है, इसलिए ये कभी ज़मीन पर नहीं आते हैं, ऊपर ही ट्रीज पर ही इनका लाइफ का अधिकतम भाग बीत जाता है. एडाप्टेशन इन मंकीज, आइए देखते हैं मंकीज़ में क्या अडेप्टेशन पाए जाते हैं. मंकीज़ आर वेल अडाप्टेड टू लिव ऑन द ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मंकीज़ रहने के लिए वेल अडाप्टेड होते हैं. दे हैव लॉन्ग टेल्स फॉर द ग्रेस्टिंग ब्रांचेज. उनकी जो पूछ होती है वो लंबी होती है, जिसकी मदद से वो ब्रांचेस पर आसानी से वो खुद को पकड़ सकते हैं, खुद को फंसा सकते हैं, गिरने से खुद को सेव कर सकते हैं. देयर हैंड्स एंड फीट आर such that they can easily hold on to a branches of the trees. Okay, उनके hands और feet ऐसे होते हैं जिसकी मदद से वो आसानी से branches, trees के branches को वो क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं. They have opposable thumbs that allow them to grasp small things. Okay, उनकी जो thumbs होती हैं वो भी बड़ी ही अजीब उनकी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसकी वजह से वो छोटी छोटी चीज़ों को भी वो क्या कर लेते हैं, अपने उस थंब अंगूठे की मदद से और जो उंगलियां हैं और अंगूठों की मदद से वो उसे पकड़ पाते हैं. नाउ दैट्स ऑल अबाउट दिस योर चैप्टर. थैंक यू.